नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। खबरों के तूफान में ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत मुंबई के ड्रग्स केस से जुड़ी है और एक बड़ी खबर इसमें यह है कि मुंबई ड्रग्स केस में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने जवाब दिया है। मोहित ने कहा कि नवाब मलिक ने सुनील पाटिल से अपना रिश्ता कबूल कर लिया है। कंबोज ने कहा कि नवाब ने एनसीपी नेताओं के ड्रग पेडलर से संबंध कबूल कर लिए हैं। नवाब मलिक ने ही सुनील पाटिल के साथ साजिश रची और उनका संबंध बेहद पुराना है। नवाब मलिक अक्सर सुनील पाटिल के साथ पार्टी करते थे। आज सुबह नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोहित कंबोज पर किडनैपिंग और फिरौती की साजिश का आरोप लगाया था। आज उन्होंने ये बात भी कबूल ली कि एक ड्रग पेडलर, एक ड्रग की पार्टी करने वाला के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बच्चों के रिश्ते हैं। आज उन्होंने ऑन एयर ये बात कबूल ली कि राष्ट्रवादी के मंत्री, बड़े बड़े मंत्रियों के बेटे और बेटी ड्रग पेडलर, ड्रग माफियाओं के साथ उनके रिश्ते हैं। तीसरा, मैंने कल उनसे आरोप लगाया था कि सुनील पाटिल जी से इनकी बातचीत है, इनके रिश्ते हैं, तो इन्होंने आज इस बात को डिटो किया कि हाँ, सुनील पाटिल का फोन उनके पास आया था। उन्होंने पूरी सच्चाई नहीं बताई। सुनील पाटिल जब ललित होटल में शराब शबाब कबाब की पार्टी करते थे तो जो चौथा होता था वहां पे नवाब होता था। उनके रिश्ते आज उन्होंने खुद ही खुलासा कर दिया कि उनकी बातचीत सुनील पाटिल के साथ है। सुनील पाटिल जिसने ये पूरा षड्यंत्र रचा, उन्होंने खुद कबूल लिया कि उनके फोन के ऊपर उनके साथ बातचीत है। उन्होंने बस समय और तारीख गलत बताई। ये रिश्ते आज के नहीं है, ये रिश्ते क्या कहलाते हैं। और इस मामले से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि नवाब मलिक पर पलटवार करते हुए मोहित कंबोज ने यह भी कहा कि यह शाहरुख खान से वसूली की साजिश का मामला हो सकता है। नवाब मलिक मुद्दे को भटका रहे हैं। ड्रग माफिया चिंकू पठान से अपने दामाद के संबंध पर नवाब चुप हैं। तो बताएं कि चिंकू पठान और समीर पठान के बीच क्या रिश्ते हैं और नवाब मलिक ने 3,000 करोड़ की संपत्ति कैसे बनाई। और ये कॉन्स्पिरेसी नवाब मलिक जी ने सुनील पाटिल के साथ मिलकर महाराष्ट्र के डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ रची। या कोई बहुत बड़ी साजिश थी शाहरुख खान के साथ कोई तोड़ पाने की या पैसे वसूली की, ये नवाब मलिक जी को पता उनके इसमें क्या इंटेंशन थे और इसके अंदर उनका क्या रोल था। चिंकू पठान जो ड्रग माफिया है, म्याओ म्याओ ड्रग और आर्म्स के साथ जिसको अरेस्ट किया नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने, जिसको आप सभी ने देखा कि अनिल देशमुख के साथ उसकी पिक्चर शायदरी गेस्ट हाउस में पिछले साल एक गुप्त मीटिंग की गई, मैं बताना चाहूंगा चिंकू पठान, अनिल देशमुख जो आज नवाब मलिक जी इतना भड़क रहे हैं और आज झूठे आरोप लगा रहे दूसरों के ऊपर रेस्टोरेंट ऐसे लेके, वहां कोई शख्स था तो सुनील पाटिल और समीर खान था। क्या रिश्ते हैं चिंकू पठान के और समीर खान के, क्या रिश्ते हैं उस गुप्त मीटिंग की, नवाब मलिक जी को इस पे जवाब देना पड़ेगा। 3,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति जो उन्होंने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार करके बनाई, ऐसा कौन सा भंगार बेचते थे कि 3,000 करोड़ रुपए की आपकी संपत्ति बन गई। और इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि क्रूज ड्रग्स केस में आज नवाब मलिक ने एक नया बड़ा आरोप लगाया है। नवाब मलिक का आरोप है कि मुंबई क्रूज मामला ड्रग्स का केस नहीं बल्कि किडनैपिंग और फिरौती का मामला है। शाहरुख खान के बेटे को ट्रैप करके क्रूज पर लाया गया, किडनैप कर 25 करोड़ की फिरौती का खेल रचा गया, 18 करोड़ में डील फाइनल हुई, लेकिन एक गोसावी की जो सेल्फी जो सामने आ गई थी उसने पूरा खेल बिगाड़ दिया। और नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड बीजेपी नेता मोहित कंबोज है और उगाही के इस खेल में एनसीबी ऑफिसर समीर वांकड़े भी शामिल है। मैं सीधे बताना चाहता हूं कि यह पूरा मामला किडनैपिंग का और रैंसम का है। मोहित कंबोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहाँ आर्यन खान को पहुँचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। डील 18 करोड़ में हो गई, 50 लाख रुपए उठाए गए, लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया, ये सच्चाई है। जो
किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। उगाई के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। मोहित कंबोज के और वानखेड़े के अच्छे रिश्ते हैं। मोहित कंबोज इस शहर में 12 होटल चलाता है। एक कब्रिस्तान को लेके वानखेड़े साहब बोल रहे थे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब 6 तारीख के दिन हुई, 7 तारीख के दिन कंबोज और वानखेड़े ओशीवीरा कब्रिस्तान के बाहर मिले। श्री वानखेड़े इस शहर के अंदर उनका एक ही खेल है कि ड्रग का धंधा धड़ल्ले से चलता रहे, ड्रग माफियाओं को संरक्षण दिया जाए, उनसे उगाही की जाए। और कौन लोग कंज्यूम करने वाले लोग हैं जो नशे के लत के आदि हैं, बड़े घर के लोग, फिल्म जगत के लोग, उनकी जानकारी हासिल की जाए, उन्हें डराया जाए और हजारों करोड़ की उगाही की जाए। ये खेल वानखेड़े इस शहर में खेल रहे हैं। और इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, नवाब मलिक के शेयर किए हुए एक नोटिस और ऑडियो टेप पर नया खुलासा हुआ है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ऑफिसर की सैम डिसूजा उर्फ सैनविल डिसूजा से बातचीत का यह टेप 5 महीने पुराना है और किसी और मामले से यह जुड़ा हुआ है। एनसीबी ने 23 जून को सैम डिसूजा को नोटिस भेजा था और हाजिर होने के लिए कहा था। एनसीबी के सामने डिसूजा की पेशी हुई तो पता चला कि वो पुलिस का मुखबिर है और फिर सैम डिसूजा एनसीबी का भी मुखबिर बन गया। अब आपको वो टेप सुनाते हैं जो आज नवाब मलिक ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर सैमुअल बोल रहा हूँ। सैमुअल कौन सर? आप वो नोटिस दिए थे ना घर पे? सैमुअल यस सर। ये बैंड्रा में रहते हो तू? हाँ हाँ सर। हाँ आपने नोटिस दिए थे ना, मैं था नहीं घर पे, मुझे मालूम पड़ा है। सर मुझे एक दिन और कम आया सर, अभी मैं पहुंचा नहीं बॉम्बे, अभी पहुंचूंगा सर। थोड़ी मेरी तबीयत भी डाउन लग रही है। कब आएगा? मैं मंडे को आऊँ सर। मंडे नहीं, फिर तो आ वेडनेसडे आप तब ढूंढे। वेडनेसडे ओके सर। मंडे मैं हूँ नहीं। ओके सर, नो प्रॉब्लम, वेडनेसडे आ जाता हूँ सर। सुन। हाँ सर। हाँ सर, ये जो तेरा फोन है ना, ये फोन लेके आना। यस सर, लेके आऊंगा सर। हाँ मेरे को कोई हरकत नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि मेरे पास IMEI नंबर है तेरा, हैंडसेट ना चेंज करना ना कुछ करना। हाँ सर, मैं नहीं करूँगा, बता रहा हूँ। yes, ऑलरेडी तेरे को वार्न कर रहा हूँ मैं। यस yes, सर, मैं ऐसा कुछ काम करूंगा नहीं सर। हाँ ठीक है, आ जा वेडनेसडे आ जा। यस सर, ओके सर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।